वह छोटे थे, तकरीबन 1.5-2 साल की उम्र में उनको बुखार हुआ था। उस समय उनके एक टांग में गलत इंजेक्शन लगने की वजह से उनको पैरालाइज हो गया। उसके बाद फिर वो पढ़ने में काफ़ी तेज़ थे, तो वो 2009 में पटियाला पंजाबी यूनिवर्सिटी में उन्होंने MSc की। तो उसके बाद उन्होंने आगे से आगे स्टडी शुरू की। 2012 में ओलंपिक देखने के बाद उन्होंने गेम शुरू की और काफ़ी कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, और आज उन कठिन परिस्थितियों का फल आज हमारे भाई को मिल गया। हरविंदर क्या के बारे हरविंदर सिंह जो कि मेरे देवर हैं, उन्होंने पैरालंपिक में अब 2020 में ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। हम सब बहुत खुश हैं उनकी इस उपलब्धि को देखकर। हमारे घर में उन्होंने हमारे घर का, हमारे पूरे इंडिया का नाम रोशन किया है। उन्होंने बहुत ही हम कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह मेहनत की थी। जब से मेरी मैरिज हुई मैं तब से देख रही हूँ कि वो घर से हमेशा कैंप में बाहर ही रहते थे, तो उन्होंने इस मेडल को हासिल करने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत की है जी। हौसला, उन्होंने एक बुरा वक्त आया था उनके ऊपर, उस बुरे वक्त में भी उन्होंने अपने देश का, अपने परिवार का नाम रोशन किया था। उसने तो बस एक ही मेन में अपने मन में सोचा था कि वो इस बार जरूर मेडल लेकर आएगा, और उसने वो मेडल हासिल करके अपने देश का और हमारे परिवार का नाम रोशन किया। उसने ट्राई किया था, वो उसको इतने फ़ोन कॉल आ रहे थे, वो बहुत ज़्यादा बिजी था, उसने थोड़ी देर ही बात की थी हमसे, तो अब हम जब वो फ्री होगा तब हम उनसे बात करेंगे। बस हमने उसको कॉन्ग्रेचुलेट किया और वो बहुत खुश था। तो अब वो जब उसको इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल हो गई है, वो आगे भी इस जो अपनी गेम्स को आगे भी कंटिन्यू करेगा जी। बहुत खुशी है जी, पूरे परिवार में, पूरे गांव में, पूरे हलके में बहुत खुशी का माहौल है जी। हाँ जी, शुरू जो उन्होंने बहुत मुश्किल था जी, फिर भी उन्होंने हौसला नहीं छोड़ा। 2012 से उन्होंने प्रैक्टिस शुरू की पटियाला यूनिवर्सिटी में पढ़ते हुए। वहाँ पर लंदन ओलंपिक उन्होंने देखा पहले टीवी में, वहाँ से उनके मन में थोड़ी जिज्ञासा पैदा हुई। फिर उन्होंने वहाँ अपने आर्चरी के कोच हैं जी जीवनजोत सिंह तेजा और गौरव शर्मा जी, उनसे बात करके उन्होंने प्रैक्टिस शुरू कर दी। हाँ जी, बहुत बड़ा मकाम है जी इससे, और भी जो अपने युवा बच्चे हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी उनसे। खेलने का ऐसा है जी, वो सुबह शाम प्रैक्टिस के लिए परमानेंट ही जाते थे पहले वहाँ पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में। फिर जब फिर लॉकडाउन हो गया, फिर वो सब बंद हो गया, फिर वहाँ घर पे आ गए उन्होंने फिर अपना टारगेट जो है अपने खेतों में ही लगा लिया। तो खेतों में सुबह 6 बजे वो चले जाते थे प्रैक्टिस करने, सुबह 6 से 10 बजे तक, शाम को फिर 4 से 7 बजे तक ऐसे प्रैक्टिस किया करते थे। हाँ जी, उन्होंने बहुत हमें उनको सपोर्ट किया जाने के लिए, कहता है चलो हम आपकी बार कुछ ना कुछ जो बड़ा करके आएंगे। हाँ जी, हाँ, बहुत खुशी महसूस होती है, मान महसूस होता है। हमारे पास कुछ भी व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है।